जरा विचार किया जाए, अगर जीवन में सुख पाना है तो मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए। विद्यार्थी अगर पढ़ रहा है तो ध्यान लगा के विद्यार्थी पढ़े, चेतना लगा के पढ़े, वो विद्यार्थी इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा और माता पिता को सुख पहुंचा देगा। आप भी यदि खेती करते हैं तो ध्यान लगा के, चेतना लगा के खेती कीजिए, तब आपके जीवन में सुख आएगा। और नहीं तो मकई में पानी देना है, आप साली के यहां बैठे हुए मकई सूखी, गाय का दूध दुहना है, आप बैठ के ताश खेल रहे, दुकान में गहकी को सौदा देना है, आप बैठ के उधर दारू पी रहे, कैसे आपके जीवन में सुख आएगा? कोई नहीं सुख लाएगा आपके जीवन में। अगर भगवान को सुख देना होता तो पूरे पूरे दिघान गांव के बेटा बेटी को एक समान जमीन भगवान दे देते, एक समान बेटा बेटी देते, एक समान जमीन देते, एक समान गाय भैंसी देते, महल मकान देते, और एक समान सबका रूप रंग भी देते। देखिए इसी गांव में कोई कितना सुंदर है और इसी गांव में कोई कितना कुरूप है। भगवान किसी को कुरूप क्यों बनाएगा और भगवान किसी को सुंदर क्यों बनाएगा? वो भी आपके कर्म का परिणाम, वो भी जीव के कर्म का परिणाम है कि अपना कर्म से कोई सुंदर चेहरा पाया है और अपने कर्म से कोई कुरूप चेहरा पाया है, अपने कर्म से कोई राष्ट्रपति के यहां जन्म लिया है, अपने कर्म से कोई सदा और कोई माझी के घर में जाके जन्म लिया है, जिसका घर का टाटी भी ठीक नहीं है उस घर में जाके जन्म, अपने कर्म का परिणाम। किसी गांव में दो घर और किसी गांव में तीन घर नौवा हजाम होता है, दो तीन घर से बेसी रहता है गांव पीछा, यही रहता है। लेकिन देखा जाए अपने कर्म का परिणाम था माननीय कर्पूरी ठाकुर जी का, तो बिहार का तीन तीन बार मुख्यमंत्री बने थे, दुघरबा होके बिहार के तीन तीन बार मुख्यमंत्री अपने कर्म के परिणाम से। राम विलास पासवान जी इतने बड़े नेता होकर रगड़ते रगड़ते दुनिया से चले गए, लेकिन मुख्यमंत्री का गद्दी उनको नसीब नहीं हुआ। आनन फानन में जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री की गद्दी पर चढ़ गए, वो जीतन राम मांझी के अपने कर्म का परिणाम, अपने कर्म के परिणाम से। ये देख रहे हैं इनको औरत वाला शरीर मिला, और अपने कर्म के परिणाम से हम लोगों को मर्द वाला शरीर मिला, अपने कर्म के परिणाम से आपका बेटा इंजीनियर डॉक्टर हुआ है, और किसी का बेटा भीख मांग रहा है, भैंसी चला रहा है, चोरी कर रहा है, घुसखोरी कर रहा है, एक एक आपके कर्म के परिणाम से आपका दूल्हा जवानी में मर गया, आपका बेटा मरा है जवानी में, आपकी गाय मरी है, आपकी भैंस मर गई है, आपका जमीन बिक गया है, आपका घर तक बिक गया, आपके जीवन में जो भी बीमारी आई है वो भी आपके कर्म का परिणाम है। भगवान बीमारी का दुकान खोला है, किसी के यहाँ टीवी भेजता है, किसी के यहाँ दम्मा, किसी के यहाँ कैंसर, किसी के यहाँ डायबिटीज, वो आपके कर्म, आपके कर्म से, आपके कर्म के परिणाम से कैंसर आपके यहां आया, और आपके कर्म के परिणाम से एड्स का बीमारी आपके घर आया, आपके कर्म से ब्लड प्रेशर आया है, आपके कर्म से डायबिटीज आया है, हर एक बात आपके कर्म का परिणाम है। भगवान क्यों किसी को सुख देगा और भगवान क्यों किसी को दुख देगा? लेकिन आज भगवानवादी बनने वाले सब लोग हैं, लेकिन कर्म सुधार करने वाले एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहे, जो हम कर्म का अपना सुधार करें। और जब तक कर्म नहीं सुधरेगा आप रहिएगा मंदिर में, और जवान बेटा दूरा पर मरल रहेगा, जाइए पूजा करते रहे, क्योंकि कर्म खराब है तो भोगना पड़ेगा, कर्म खराब है
तो परिणाम भोगना पड़ेगा, वो कोई बांट नहीं लेगा। आ कर्म ठीक है तो कोई नहीं मरेगा आपके घर में जवानी में। सारा कर्म पर डिपेंड कर रहा है। जवानी में दूल्हा मर गया तो औरत अपना कपार फोड़ के मर रही है, डाइन को गाड़ी दे रही है, भगवान को गाड़ी दे रही है, और समझ नहीं रही है अपने कर्म का परिणाम। अभी भी होशियार होने के लिए तैयार नहीं है, डाइन को गाड़ी देकर, एक तो पति मर गया और डाइन को गाड़ी देकर मामला फौजदारी करवा रही है, आ अपना गलती अभी भी स्वीकार करने के लिए वो महिला तैयार नहीं है, अपना चाल अभी भी सुधारने के लिए वो तैयार नहीं है। सब लोग इसी ढंग से चल रहे हैं, अब मंदिर मस्जिद का दौर लगा रहे हैं, अब भगवान से सुख शांति मिल रहे मांग रहे हैं, अब कहीं सुख शांति आ नहीं रहा, कहीं नहीं आ रहा है। आज जो अपने से कर्म कर रहा है उसके यहां सुख आ रहा है, जो कर्म कर रहा है उसके यहां सुख आ रहा है। देखिए सिकंदर बाबू ने कहा मेरा बेटा नरकटियागंज में रेल में नौकरी कर रहा है, क्यों नहीं उसको सुख मिलेगा। मैंने कहा हमको पता होता तो कल 4 घंटा नरकटियागंज स्टेशन पर मैं समय बिताया यहां आने के लिए। जहां हम थे गोरखपुर में परसों 1 बजे रात में हम पैसेंजर पकड़ के आए नरकटियागंज। लोगों ने कहा 4:20 में एक पाटलिपुत्रा खुलती है नरकटियागंज से जो आपको डायरेक्ट मुजफ्फरपुर लाएगी। आज जब हम नरकटियागंज पैसेंजर से आए 10 मिनट लेट हुआ तब तक पाटलिपुत्र खुल के चली गई। अब कोई ट्रेन था नहीं, 8:30 बजे में था सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस 4 बजे से लेकर और 8:30 बजे दिन तक मैं नरकटियागंज प्लेटफॉर्म पर बैठा रहा, वहां गाड़ी के इंतजार। बंधुओं जो कमाएगा जो पैसा उपार्जन करेगा वो सुख भोगेगा, और जो नहीं कमाएगा और जो भगवान के भरोसे रह जाएगा उसको दुख उठाना पड़ेगा।